मुख्यमंत्री पद छोड़ने की वजह से दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की सीट बदल दी गई है। पहले अरविंद केजरीवाल की सीट संख्या एक थी, अब 41 नंबर सीट पर बैठेंगे, जबकि मंत्री से मुख्यमंत्री बनी आतिशी पहले 19 नंबर सीट पर बैठती थी, अब एक नंबर सीट पर बैठेंगी। उप मुख्यमंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया पहले अरविंद केजरीवाल के ठीक बराबर में सीट नंबर दो पर बैठते थे, अब भी केजरीवाल के साथ लेकिन सीट नंबर 40 पर बैठेंगे। मुख्यमंत्री आतिशी के बराबर में सीट नंबर दो पर सौरभ भारद्वाज बैठेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। सीएम मान को फिलहाल मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीएम के भर्ती होने के बाद से पूरे अस्पताल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अस्पताल प्रशासन और पंजाब सरकार की ओर से अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिर क्या कारण है कि मुख्यमंत्री को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल ले जाया गया। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने चुनावी दौरे के लिए जिस स्थान को चुना है वहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान में कहा है कि हमारी सरकार आ रही है, पहले तो मैं अपना घर भरूंगा और फिर मैं अपने करीबियों का घर भरूंगा। क्या हरियाणा को राहुल गांधी फिर भ्रष्टाचार के दलदल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं? अगर उन्हें अपनी जनसभा की शुरुआत करनी थी तो किसी दूसरे स्थान से करते, जिससे संदेश भी अच्छा जाता। दिल्ली के मॉडल टाउन से विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया गया है। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट की है। 59 साल के जेल बोर्ड कर्मचारी को विधायक ने लात घूंसे और थप्पड़ मारने का आरोप है। पंप चलाने में कोताही बरतने के आरोप लगाते हुए उन्होंने समर्थकों के साथ मारपीट की है। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के लिए राहत भरी खबर आई है। मानहानि मामले में संजय राउत को जमानत मिल गई है। मंझगांव मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने राउत को बेल दे दी है। बेंगलुरु महालक्ष्मी मर्डर केस ने एक नया मोड ले लिया है। आरोपी मुक्ति रंजन रॉय के भाई ने खुलासा किया है कि वह महालक्ष्मी से बेहद प्यार करता था और इससे शादी करना चाहता था। हालांकि महालक्ष्मी ने उस पर अपहरण का आरोप लगाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मुक्ति के भाई सत्य रंजन रॉय ने बताया कि मुक्ति उससे शादी करना चाहता था और उसे बाइक पर केरल ले जा रहा था, लेकिन उसने उस पर अपहरण का आरोप लगाया और लोगों से उसकी पिटाई करा दी। लोगों ने उसे बुरी तरह से पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी उसकी पिटाई की और 1000 रुपए रिश्वत देने के बाद उसे छोड़ दिया गया। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद पूरे देश में इस्लामीकरण तेज हो गया है। महिला सैनिक यदि अब हिजाब पहनना चाहती हैं तो पहन सकती हैं। एडजुटेंट जनरल कार्यालय से इसको लेकर आदेश जारी किया गया, जिसके बाद अब महिला सैन्य कर्मियों को हिजाब पहनना विकल्प कर दिया गया है। बांग्लादेश में अब महिला अफसरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य सैन्य कर्मियों पर हिजाब पहनने को लेकर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। विवादों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने चहेते मंत्री अशोक चौधरी का पार्टी का कद बढ़ा दिया है। सीएम ने उनको जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस बाबत राष्ट्रीय महासचिव और विधान परिषद के सदस्य आफाक अहमद खान ने लेटर जारी किया है। उस पत्र में ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त करने की जानकारी दी गई है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों आदि पर मालिक या मैनेजर के नाम लिखवाने के आदेश को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने इसे ध्यान बटाने की चुनावी राजनीति करार दिया। इसके साथ ही मायावती ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद मिलावट को लेकर भी बयान दिया है। मायावती ने कहा कि ये सब खाद्य सुरक्षा हेतु कम व जनता का ध्यान भटकाने की चुनावी राजनीति ज्यादा है। महाराष्ट्र के कई हिस्से में हो रही भारी बारिश से बुरा हाल है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन बारिश के कारण उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। पीएम मोदी आज पुणे पहुंचकर 22,900 करोड़ की परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले थे, जिसमें मेट्रो ट्रेन के लोकार्पण सहित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम का भूमि पूजन उनके हाथों में होना था।
अमेरिका में एक बार फिर मंदिर को निशाना बनाने की खबर सामने आई है। 10 दिनों में ये दूसरा मौका है जब हिंदू धर्म स्थल पर हमला किया गया है। ताजा मामला कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो काउंटी का है। सैक्रामेंटो माथेर एयरपोर्ट के साउथ में स्थित स्वामी नारायण मंदिर में बुधवार को हिंदू विरोधी नारे भी लिए गए। वहीं उपद्रवियों ने हिंदुओं वापस जाओ लिख दिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल भी किया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में राष्ट्रपति महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने के संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार झा ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मंगलवार को पुलिस मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी प्रवीण सिंह की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट की सुसंगत धारा में मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मौसम एक बार फिर करवट ले रही है। पिछले कुछ दिनों से उमस और गर्मी से परेशान दिल्लीवासियों को अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव प्रणाली के कारण आंध्र और दक्षिण ओडिशा के तटों में उत्तर पश्चिमी खाड़ी में भारी बारिश और आंधी आने की संभावना है। वहीं IMD ने जानकारी दी है कि आज यानी कि 26 सितंबर महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल को भारी बारिश की संभावना है। किसानों के मुद्दे पर विवादों में घिरी अभिनेत्री और एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म एमरजेंसी के रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड यानी कि CBFC ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को जानकारी दी है कि वह फिल्म एमरजेंसी को प्रमाण पत्र जारी करने को तैयार है, मगर फिल्म के कुछ हिस्सों में काट छाट करनी होगी। बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। शाकिब अल हसन को भारतीय के खिलाफ T20 सीरीज खेलना था, लेकिन अचानक उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। शाकिब आखिरी बार बांग्लादेश के लिए T20 विश्व कप में इस फॉर्मेट में मैदान पर उतरे थे। शाकिब ने रिटायरमेंट की घोषणा के साथ ही ये साफ तौर पर कह दिया है कि उनका आखिरी T20 इंटरनेशनल मुकाबला T20 विश्व में ही हो गया था।